दोस्तों कल मुंबई कॉन्सर्ट पे पवनदीप का परफॉर्मेंस देख के ओनली हमारे पारस जी स्पेलबाउंड नहीं हुए थे, स्पेलबाउंड होंगे हर म्यूजिशियंस, हर म्यूजिक के फैंस, हर आम जनता। हमारा चैनल देवोश्री आर्टिस्टिक ये बोलने में मजबूर हो जा रहे हैं, दोस्तों आओ मिलके पवन को ब्लेसिंग्स दो। हम लोग शायद सच में भाग्यशाली है जो जो उनको सुन रहे हैं, उनके म्यूजिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। हम लोग आगे ही बोल दिए थे कंपटीशन का मार्केट है, हर म्यूजिशियंस अपना अटेंशन पाने के लिए लगे है, म्यूजिक को छोड़ के हेयर स्टाइल पे नजर दिए है, कभी स्टेज पे बैठ जा रहे है, कभी नाच नाच के हार्ट बीट बढ़ा रहे है। हमारे पवन को देखो, म्यूजिक, ओनली म्यूजिक को चुने हैं, म्यूजिक के साथ खेल रहे हैं पवनदीप। लागा चुनरे में दाग, पवन तबला बजाते बजाते कल मुंबई कॉन्सर्ट पे परफॉर्म कर रहे थे। दोस्तों स्वर्गीय म्यूजिशियन मन्ना दे जी के गाना, एक बंगाली होके हमको पता है सिंगर मन्ना दे का लेवल, उसी गाना को अटेम्प्ट किए थे पवन क्लासिकल म्यूजिक पे। लगा चुनरे में दाग एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल खड़ा किए पवन भी, हर सरगम को तबला बजाते बजाते बहुत खूबसूरती से निभाते गए पवन। इतिहास को सामने से देख रहे थे पारस जी, स्पेलबाउंड हो गए थे वो, स्पेलबाउंड हो गए थे सब। हम लोग भी बैकस्टेज पे थे अरुणिता, क्योंकि सुरेश कल्याणपुर जी के कमेंट के अनुसार अरुणिता एज अ स्पेक्टेटर ग्रैंड हयात में तब पहुंच चुकी थी। अरु पवन के परफॉर्मेंस को देख के आप जरूर गर्व महसूस किए होंगे। इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलता हुआ पवन, आपका दोस्त, इस दुनिया का आठवां अजूबा। आग लगा दिए थे पवन होटल हयात के स्टेज में, सिटी बजाते बजाते थक चुके थे फैंस, पर हमारे रॉकस्टार पवन नहीं थका। शुरू हुआ आफरीन गाना, गाए तेरे संग यारा, उफ क्या गजब का परफॉर्मेंस था पवन आपका। दोस्तों आज 9 अप्रैल नैनीताल हल्दियानी में पहुंच गए अरुदीप, कुमायनी महोत्सव में आज परफॉर्म करेंगे सुरेश राजन जी, सामने से देखेंगे उनके परिवार, रहेंगे अरुणिता भी। आज पक्का लाइव देखने को मिलेंगे ज्योतिदीप के अकाउंट से। तैयार रहोगे दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। जय पवनदीप, जय अरुणिता, जय अरुदीप।